हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ SJVNL जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का एग्ज़ाम जो आज हुआ था। ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट सी का है। जिसके पास जिसने भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है अपना क्वेश्चन पेपर सेट सी है तो आंसर अपने जो मैच कर सकते हैं कितने आंसर सही हैं। चलिए मैं शुरू करते हैं, आपको एग्ज़ाम दिखाते हैं कि कौन से आंसर का क्वेश्चन आंसर है। एंगल ऑफ डिप एट पोल, एंगल ऑफ डिप क्या होता है पोल पे? 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर पे 0 होता है। उसके बाद होता है वेल कंडीशन, ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। उसके बाद लोकल ट्रैक्शन ऑन कंपास इज ड्यू टू, लोकल ट्रैक्शन किस वजह से होता है? वो होता है करंट की वजह से। उसके बाद आपका आंसर आता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं कंटूर इंटरवल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। लेमन्स मेथड, बेसल मेथड, मैकेनिकल मेथड, ये तीनों जो हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम के मेथड हैं। लेमन मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है व्हील टेकिंग बैक साइड रीडिंग ऑन द वर्नियर थर्मोलाइट स्क्रू यूज्ड इज, तो बैक साइड रीडिंग के लिए हम लोअर क्लैंप का यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड के लिए भी लोअर क्लैंप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ एंगल टेस्ट, लॉस एंगल टेस्टिंग मशीन का यूज़ किस लिए किया जाता है? एब्रेशन टेस्ट के लिए। उसके बाद आंसर आता है, आपका क्वेश्चन आता है टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच फाउंडेशन रोड इज रेस्ट, जिस पे फाउंडेशन रोड पे रेस्ट करता है, तो इसका आंसर आएगा सबग्रेड, क्योंकि फाउंडेशन का जो है टॉप बॉटम एरिया देखेंगे हम और सरफेस का टॉप देखेंगे तो सबग्रेड। रोड सर्फेसिंग शुड भी कैसी होनी चाहिए? ऑल ऑफ दिस, स्टेबल भी होनी चाहिए, ड्राइवल भी होनी चाहिए, इम्प्रीवियस भी होनी चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इन द रोड, रोड के अंदर कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वो होता है ड्रेन ऑफ के लिए। उसके बाद आपका आंसर क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिले हमें। उसके बाद आपका डिस्टेंस अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ओवर विच रिवर विच ड्राइवर कैन सी अपोजिट, तो इसका आंसर आपका आएगा साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस होता है जिसमें ड्राइवर जो अच्छी तरह से देख सकता है अपोजिट साइड के व्हीकल को। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ये होता है व्हीकल पे, स्पीड पे और ब्रेकिंग टाइम, रिएक्शन टाइम, इन सब पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मिनिमम लोड विच कॉजेस फेलर ऑफ फाउंडेशन, उसमें क्या आएगा, किस लोड पे फेलर हो जाता है? मिनिमम लोड वो क्या होता है? वो होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि सी। आगे आपका क्वेश्चन आता है ब्लैक कॉटन सोइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट, क्या होता है? स्वेल होती है, श्रिंक होती है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है, तो ऑल ऑफ दिस डी। कोजनलेस सोइल किसे कहते हैं? सैंड को कहते हैं। सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ पोरोसिटी ऑफ, इसमें क्या फॉर्मूला लगा के आप पोरोसिटी दी हुई आपको निकाल सकते हैं? ई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ओवर वन माइनस एन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद आपको दिया जाता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ सोइल बिकम कॉन्स्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट पे जो है वॉल्यूम हमारा सोइल का जो कॉन्स्टेंट होता है वाटर का। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हाइट कितनी ली जाती है हैमर की? जो फॉलिंग होती है वो होती है 76 और जो वेट होता है वो होता है 63, ये वेट होता है। उसके बाद ये इक्वेशन होती है जो टी इज टू सी प्लस एस स्क्वायर टेन फाइव, जो टाउ के इक्वल होता है जो हम लेते हैं, कोएजन होता है सी शियर स्ट्रेंथ, ये होता है मोर के अंदर। उसके बाद आता है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लिस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, सबसे कम किसकी होती है? ये होती है लूज ग्रेवल की। अब निकाल सकते हैं हार्ड रॉक तो स्ट्रॉन्ग होएगा, कम्पैक्ट तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, रॉक भी स्ट्रॉन्ग होएगी तो लूज ग्रेवल। इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फाइव, ये दिया हुआ एंगल तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं साइन फाई, यानी कि वन माइनस साइन फाई ओवर में वन प्लस साइन फाई, वन प्लस साइन फाइव से आप निकाल सकते हैं। शैलो फाउंडेशन डिफाइन है द फाउंडेशन विच हैज द, ये तो इजी है आपको हो जाएगा,
एफलोरेसेंस किस कारण होता है जब ब्रिक के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट होता है, जब ए। उसके बाद आपका आंसर आता है क्वेश्चन आता है प्लाईवुड स्पेसिफाइड बाय क्या होता है, प्लाईवुड कैसे स्पेसिफाई करते हैं, थिकनेस से। मार्बल की क्वेरी कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन का आंसर है जो एसएससी ने भी पूछा हुआ है। एसएससी इसका आंसर जो है वेजिंग देता है, बाकी मेरे को इसको पता नहीं है कि एक्चुअल में वेजिंग क्यों आएगा, ब्लास्टिंग क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वेजिंग ही होता है इसका। अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, लाइम का कॉन्टैक्ट कितना होता है, 67। आपका आता है वर्टिकल विंडो बिल्ट अपन स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच, रूफ के स्लोपिंग साइड पे जो वर्टिकल विंडो प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं डोरमर विंडो। स्कैफोल्डिंग शटरिंग ये होगा आई थिंक, इसका डाउट है मुझे, इसका 31 का अभी आंसर नहीं पता है, लेकिन आई थिंक B+2T होना चाहिए। जनरली द रेशियो टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, 10%, ये 10% होता है। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैसे मेजर करते हैं, स्लम्प टेस्ट से, कंपैक्शन टेस्ट से, वीबी टेस्ट से, ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द, ये रेनॉल्ड नंबर होता है जो विस्कस फोर्स होता है। उसके बाद आपका आंसर आता है टोटल डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट से जो वाटर का लॉस होता है उसे हम आंसर क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। व्हेन द वाटर ऑफ ड्रेन इज ओवर द कैनाल ऑफ द स्ट्रक्चर उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर पासेज बोलते हैं। जैसे ये हमारा कैनाल हो गया, वाटर ड्रेन है जो हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ से ड्रेन जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुपर पासेज। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंट टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर द अनदर लेयर की मूवमेंट को रेजिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। फिर आता है द प्रेशर एट 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, इसका फार्मूला होता है ρgh, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आता है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो थ्रू द डिवर्जेंट सेक्शन, डिवर्जेंट सेक्शन क्या होता है वेंचुरी मीटर का, ये हमारा ये डिवर्जेंट सेक्शन होता है यहाँ पे, नहीं ये कन्वर्जेंट सॉरी, ये होता है हमारा डिवर्जेंट सेक्शन। डिवर्जेंट सेक्शन पे क्या होता है, एरिया इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ द ओपन चैनल का, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन क्या है, ट्रेपेजोइडल। उसके बाद क्वेश्चन आता है वाइज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितनी होती है, वो होती है 135। प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में प्रेजेंट है तो क्या होता है, यानी कि वाटर के अंदर सोल्ट आ गया जिसे हम खारा पानी बोलते हैं, वो होता है हार्ड वाटर। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के, जो बैक्टीरिया रह सकता है वो एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन के साथ रहता है वो एरोबिक होता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आया, बहुत इजी लेवल था। सिंपली स्पॉटेड बीम एम एल स्पैन कैरी यूडीएल, बेंडिंग मोमेंट क्या है यूडीएल पे, ये सिंपली स्पॉटेड बीम है आपका, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे क्या आएगा WL/2, यहाँ पे भी WL/2, तो आपके बीच में सेंटर में क्या आएगी WL/WL²/8। और इसका बेंडिंग इक्वेशन पे फार्मूला क्या आएगा, MRIS, ये होता है जिसकी ट्रिक होती है इंजीनियर ई ओवर में आर स्ट्रेस वाई, स्ट्रेस क्यों नहीं स्ट्रेस ओवर वाई, आगे तो मेरा नाम आता है मनी सिंगला। स्लोप इज डिफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, इसका आंसर मुझे शेयर फोर्स आई थिंक, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, डाउट में हूँ मैं। ग्रुप ऑफ फोर्सेस वो रिजल्टेंट इज जीरो, जहाँ पे फोर्स का रिजल्टेंट है जो जीरो होता है उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कॉन्करेंट क्या होता है, जहाँ पे एक ही पॉइंट पे फोर्स आके मिलते हैं, ये होता है कॉन्करेंट। रेडियस ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम आई ओवर में ए, तो इसका आंसर आएगा सी। ग्रोथ डायमीटर क्या होएगा, 14 mm तक
14 mm है तो हम वे 1.5 प्लस कर दें तो 15.5। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड ऑफ द प्लेट ऑफ स्क्वायर एज का साइज क्या होएगा, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बार शुड बी, लेसिंग के केस में क्या होएगा, 145, और ये भी होता है ब्रेसिंग के केस में होता है 180। उसका क्वेश्चन आता है 54, मेंबर ऑफ द रूफ ट्रस दैट सपोर्ट द पुलिन को सपोर्ट करने वाले मेंबर हम क्या कहते हैं, वो होता है प्रिंसिपल राफ्टर। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 8.8 वोल्ट के लिए क्या होता है, ये आपको ग्रेड याद करनी पड़ेगी DSS स्टील के, आपको नोट्स टेबल में कोड बुक कोई उसमें मिल जाएगा आपको 6640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 100% एक्यूरेट आंसर है, 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट ऑफ वर्क इन SI में यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है जूल। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्जन में, कौन सा सेक्शन बेस्ट होता है, आई थिंक होलो सर्कुलर सेक्शन आएगा। इसमें क्या है मोस्ट एफिशिएंट एक्शन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल भी क्या है, आई सेक्शन। उसके बाद आपको आता है द सेक्शन इन विच स्टील नॉट फुली परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच द मैक्सिमम वैल्यू, जो पहले पहुंच चुका है अपनी स्ट्रेस पे यानी कंक्रीट पहले फेल होएगा तो इसका मतलब क्या, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट क्या होएगी बीम के अंदर, वो होती है 4%, और ये होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील में जो माइल्ड स्टील है, या देखो यहाँ देखो माइल्ड स्टील लिखा हुआ है तो आएगा 15% इसका आंसर आएगा, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ में 12%। डायमीटर लॉन्ग टेंशन बार इन कॉलम में डायमीटर होता है 12 mm। उसके बाद आता है लिमिटेड टॉर्क में तो डिज़ाइन HYS डिस्से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कितनी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करती है बोन स्ट्रेंथ, वो होती है 60% स्ट्रेंथ जो हमारी इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बोन्ड इन ब्रिक मशीनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर, अल्टरनेट कोर्स है हेडर की और स्ट्रक्चर की, इसे इंग्लिश बोन्ड कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है, 2.5 से 3 के बीच में लाई करते हैं, 2.4 की होती है किसी किसी, लेकिन 2.36, 2.5, 2.7 ये देखने को मिलते हैं। पार्टीशन वॉल को हम जो है एनी वन ऑफ दिस ले सकते हैं, और अप्रोक्सीमेट रेशियो स्ट्रेंथ 7 days टू 28 days स्ट्रेंथ क्या होती है, 2/3 होती है, ये होती है 28 days इक्वल 7 days इक्वल तो 28 days का 2/3। बात आता है जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, जिप्सम को ऐड क्यों किया जाता है सीमेंट में, ये होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, C3A का, सो C3A को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्स कंक्रीट ऑफ, ऑयल की मिक्सिंग होती है जिस वाटर में उससे हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इससे हमारा ये इफेक्ट जाता है कि उसकी जो है स्ट्रेंथ है जो कम हो जाएगी ऑयल से, और लुब्रिकेंट है जो बेकार जाएगा, लीन लुब्रिकेंट बनेगा हमारा, ठीक है ऐसा कुछ होता है। और ये ऊपर वाले में जैसे जिप्सम होता है, जिप्सम C3A का क्या काम होता है, जब फर्स्ट 24 आवर में C3A रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर के साथ जब सीमेंट रिएक्ट करता है तो फर्स्ट 24 आवर में C3A मैक्सिमम हीट ऑफ जनरेशन करता है, जिस कारण क्या करता है अब सीमेंट है जो हार्ड होने का काम करता है, और इसी C3A की 24 आवर की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसी को कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं, तो जिप्सम को ऐड करने से जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो भी कंट्रोल में आता है। इसका क्रैकिंग में C2C3S में या टेक्सचर देने में कोई रोल नहीं होता, इसका रोल सिर्फ होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को और इनिशियल सेटिंग टाइम को C3A पर कंट्रोल करना, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस हैं जो C3A के कारण ही होते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको वीडियो में बाद में अपलोड कर दूँगा जब कंप्लीट, पहले नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल की वीडियो डाली है मैंने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग फॉर प्रिपेयरिंग सेंटर एग्ज़ाम एंड स्टेट एग्ज़ाम।
of junior engineering. Thank you and best of luck again.